वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ गए हैं आज प्रेम मंडे और संडे का दिन है। ये देख सकते हैं क्राउड, अनलिमिटेड क्राउड है यहाँ पर आज। और आज हम जाएंगे कृष्ण जी के दर्शन के लिए प्रेम मंदिर। और ये टाइम हो चुका है 8 o'clock का, मतलब 7:30 के अराउंड टाइम हो चुका है, तो हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हैं और ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आई थिंक 9 o'clock मंदिर बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी हम हैं प्रेम मंदिर वृंदावन में और मथुरा। तो फिर चलते हैं और करते हैं एंट्री और करते हैं भगवान जी के दर्शन और यहाँ के सुनहरे नज़ारों के दर्शन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, लेडीज लाइन अलग है और जेंट्स लाइन अलग है और काफ़ी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर भीड़ है। तो एंट्री करा के, चेकिंग करा के हमें जाना है अंदर। और ये दरबार, जो मेन दरबार तो देख ही रहे हैं आप साथ में, ये एरिया। और ये सामने है हमारे प्रेम मंदिर, जो जिसका व्यू एक अलग ही नज़ारा, जिसे कहते हैं बहुत ही उमदा नज़ारा। सर दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रेम मंदिर आने का, तो आसपास ये ध्यान रखें कि यहाँ पर गाड़ी नहीं आती है, तो गाड़ी आपको खुद ही पार्किंग में लगानी पड़ती है और उसके बाद आपको वापस के आना पड़ता है। और जो टाइमिंग्स हैं इसकी, ये मॉर्निंग में 6 to 2 के अराउंड है, उसके बाद 4 to 8 9 के अराउंड है। तो डे में अगर आप आते हैं, तो डे में ये लाइटिंग और ये सब आपको नहीं देखने को मिलते हैं और इतना क्राउड भी नहीं होता है एक्चुअली में। डे का क्राउड एंड नाइट का क्राउड में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप दिन में आते हैं तो दिन में बिल्कुल खाली होता है, बहुत अच्छे से आप दर्शन करके जा सकते हैं। बट एक्चुअली में कहा जाता है कि प्रेम मंदिर अगर आप आए और आपने नाइट में दर्शन नहीं किया, तो फिर आपने क्या ही देखा। तो बहुत सुंदर व्यू देखने को मिलता है, ये देख ही सकते हैं आप मेरे सामने प्रेम मंदिर का नज़ारा, मतलब अद्भुत जिसे कहते हैं अपने आप में। और ये यहाँ पर बहुत सी ऐसी कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जो कि मतलब जिसे कहते हैं अनबिलीवेबल आर्ट है। ये आप देख सकते हैं कृष्ण जी शेषनाग जो थे उनके ऊपर अपना डांस करते हुए, ये एक कहानी है। आई थिंक हमने बहुत बार बचपन में सुनी है और देखी भी है, श्री कृष्ण नाटक में, जो कि कृष्ण जी और उनके फ्रेंड्स खेल रहे होते हैं एक नदी के पास, और उसके बाद जो कंस का एक भेजा हुआ राक्षस होता है, जो अजगर या बहुत बड़े सांप के रूप में पानी में मतलब होता है, पानी से ले जाता है इनको, और फिर कृष्ण जी को घुसते हैं और उसके मतलब उसको मारकर उस तरीके से उस पर डांस करते हुए उस पानी में निकलते हैं। तो वो व्यू दर्शाया गया है और काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने हो सकती हैं। मतलब जगह जगह राधा कृष्ण जी के आर्ट एंड मतलब बहुत प्यारे प्यारे आपको भगवान जी के दर्शन होंगे जगह जगह। ये आप देख सकते हैं जगह जगह आए हैं। और ये राइट साइड में मंदिर का दृश्य, जो हर 2 सेकंड में 5 सेकंड में कलर चेंज होता है नाइट में। और ये हिरन, गाय, सारे एनिमल्स आपको देखने को, ये लाइट जा चुकी है यहाँ पर। तो लाइट जाने के बाद में भी लाइट जाने का व्यू है, तो आप ये मत सोचिए कि ऐसा अंधेरा क्यों है, तो अभी लाइट आ जाएगी बार बार यहाँ पर। एक्चुअली देखिए लाइट आ गई है, तो ये बहुत प्यारा व्यू। और क्राउड तो मतलब अनलिमिटेड है फ्रेंड्स। अगर आप फैमिली के साथ प्लान कर रहे हैं या स्पेशली जब छोटे बच्चों के साथ प्लान कर रहे हैं, तो मतलब समझ लें, बट ये व्यू आप जितनी बार भी देखेंगे आपकी आँखें नहीं थकेंगी, आपका मन करेगा बार बार देखने का। और 7 o'clock के अराउंड अभी यहाँ पर नाइट लाइट शो होगा, तो वो भी हम देखेंगे ग्राउंड में आसपास होगा। और ये देख सकते हैं गाय निहारते हुए भगवान के मंदिर को, ये बहुत अद्भुत मंदिर है यार। मतलब इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ है देखने के लिए, जो आप देख सकते हैं, जिनको मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और ये देखिए फिर से कलर चेंज हो गया इस टेम्पल का, तो ये बार बार हर, मैंने बताया ना कि हर 5 से 10 सेकंड में कलर चेंज होता है, तो जब जब आप इसको देखेंगे और नज़र घुमा के फिर दोबारा देखेंगे, तो आपको ये डिफरेंट कलर का ही नज़र आएगा मंदिर। और सामने आप देख सकते हैं पर्वत है, जो काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया, साथ में मतलब फुहारे हैं और काफ़ी कुछ है, मतलब बहुत कुछ है, जो कि एक स्टोरी के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू दिखाने की, समझाने की कोशिश करी गई है। तो मतलब ये तो खैर आपको पता है कृष्ण धाम, जहाँ मतलब इतनी इजली हर एक को मतलब बुलावा नहीं आता और हर एक इंसान बिना बुलाए कृष्ण जी के दर्शन नहीं कर पाता। तो आज कृष्ण जी का बुलावा आया था, तो हम यहाँ आए हैं और फोटो वाले के द्वारा से मतलब दर्शन भी करेंगे। और हम आज घूम रहे हैं सुबह से, मतलब काफ़ी जगह गए हम, तो मैं वो एक एक की वीडियोस डालूंगा और सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और बने रहे मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बारे में अगर और भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और जैसे कि फ्रेंड्स ये बताया जाता है कि मतलब 2011 में 12 में ये प्रेम मंदिर बनके तैयार हुआ था, और काफ़ी उसके बाद से मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्शंस होने की वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है ये मतलब प्रेम मंदिर। और यहाँ पर अंदर आपको कैंटीन क्या मतलब बुक शेल है जो मतलब किताबों से रिलेटेड है, फिर से लाइट चली गई और लोग बहुत ज़्यादा बी केयरफुल। अंधेरे में देख लीजिए कैसा दिखता है प्रेम मंदिर। तो जैसे कि बताया दोस्तों मैंने 2012 में प्रेम मंदिर मंदिर तैयार हुआ था 11 वर्ष के बाद, और उसके बाद प्रेम मंदिर में मतलब एक कम से कम 54 एकड़ एरिया में स्थित है और 125 फुट लंबाई और 122 फुट ऊंचाई है इसमें। और इस मंदिर की भगवान श्री कृष्ण राधे का एक संपूर्ण मंदिर है जिसमें आपको ये बाहरी दीवारों पर चारों ओर भगवान कृष्ण और राधा की लीलाओं का वर्णन मिल जाता है। और ये मंदिर जैसा कि कहा जाता है फ्रेंड्स राजस्थान के कम से कम 1000 आर्टिस्ट ने जो कि मतलब इसमें जितना भी वर्क हुआ था इटालियन पत्थर से ये सारा वर्क 1000 कम से कम राजस्थान के आर्टिस्ट थे जो आकर इन्होंने काम किया था राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच मिलाकर, और कम से कम 150 करोड़ रुपए का मतलब खर्चा इसमें आया था इसमें। मतलब कितनी बड़ी बात है 2012 में 150 करोड़ का खर्चा आना, मतलब समझ रहे हैं आपको। और ये सुबह 5:30 बजे खुल जाता है और 8:30 बजे बंद हो जाता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रेम मंदिर देखना है क्या, तो आप ट्राई करें कि 7:30 से पहले एंट्री कर लें इवनिंग में अगर आपको नाइट व्यू देखना है, और मॉर्निंग में तो आप 5:30 आ ही सकते हैं, और डी में तो खैर कभी भी आ सकते हैं। डी में आई थिंक दोपहर में बंद होता है, 2 से 4 बंद रहता है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कभी भी अगर आप आते हैं। तो अंदर हम जाते हैं, अगर अंदर तो कृष्ण जी का मतलब वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता, तो अंदर कमरा तो ग्राउंड फ्लोर पर कृष्ण जी और राधा जी की मतलब मंदिर है, और माता मतलब अपना पहली मंजिल में अगर जाते हैं तो सीता माता और भगवान राम का मंदिर बनाया हुआ है। जो इसका मतलब मुख्य आकर्षण होता है वो रात का ही होता है, इस बात का ध्यान रखिए। और जो इसका मतलब लुक है वो राजस्थानी आर्ट है, जो प्रेम मंदिर का जो लुक है देखने को मिलता है वो बिल्कुल राजस्थानी आर्ट में है नजर आएगा आपको। और ये देख सकते हैं लाइट शो क्या मस्त। तो फ्रेंड्स ये आकर्षण है इवनिंग का यहाँ पर जो लाइट शो होता है, जो मैंने आपको बताया था कि काफी फेमस है वाटर में, जैसे हमने अक्षरधाम में देखा होगा कि वाटर में वो लाइट शो किया जाता है, तो ये मैं इतनी क्लियरली दिखा नहीं पा रहा हूँ, बहुत दूर हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे लिए कितने आगे लोग खड़े हैं, मैं ऊपर से ये जूम करके वीडियो ले रहा हूँ, तो इतनी डिटेलिंग के साथ नहीं दिखा पा रहा, बट फिर भी इंजॉय करने लायक हो गया। तो आप अगर ये सारी चीज़ें इंजॉय करना चाहते हैं न्यू टेक्निकोलॉजी एंड अद्भुत तरीके से दर्शाए हुए भगवान कृष्ण के दर्शन, तो ये सब मतलब बहुत फेमस दृश्य हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं और अपने फैमिली को बैठा करा सकते हैं। तो बेसिकली मैंने जैसे आपको बार बार बताया कि अगर आप गाड़ी जाने का प्लान कर रहे हैं तो गाड़ी आपकी इस रोड पर नहीं आती है, रोड पर मतलब इवनिंग टाइम में तो कम से कम 2-3 किलोमीटर पहले ही बंद कर दिया जाता है। बट इसके आसपास प्रेम मंदिर के ठीक सामने लेफ्ट साइड में ही हमने मतलब होटल लिया हुआ है, तो हम तो वॉक करके आ जाते हैं बहुत ईजी, बड़ा हमें ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 1 किलोमीटर के आसपास ही वॉक करना पड़ा, तो मतलब होटल्स हैं आसपास। बट अगर आप प्लान करें कि आप बिल्कुल गाड़ी से आए, गाड़ी से उतर के लगा के यहाँ प्रेम मंदिर दर्शन करें, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट कहा जाता है इसके बैक साइड से एक रास्ता है प्रेम मंदिर आने का, तो वहाँ कहीं गाड़ी लगा के बैक साइड वाली गली से आ सकते हैं। तो वृंदावन और मथुरा तो आपको पता है भगवान कृष्ण की धरती है और उनकी लीला यहाँ अपरंपार रही है, और
जब जब भक्तों ने मतलब प्रभु ने बुलाया है कृष्ण जी ने, तो जब हर इंसान भगवान के दर्शन करके मतलब गया है यहाँ से, तो उसी उसी। और सबसे बड़ी बात जो फ्रेंड्स मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर जो होती है प्रॉब्लम वो इस टाइम पे होती है जूतों की। तो जैसा कि मैं एक्चुअली अभी ले नहीं पाया, मैं राइट साइड में इसके जूते लगाए थे और जूते मेरे हो गए चोरी, तो मैं तो अब नंगे पैर घूमने वाला हूँ। मैं एक्चुअली मैं वो इसके फुटेज लेना भूल गया और ये रिकॉर्डिंग में बाद में कर रहा हूँ, तो ये दिखा नहीं पाया, नहीं तो उस टाइम पर वो शॉट दिखाने चाहिए थे जब हम जूते ढूंढ रहे थे टॉर्च ले, फोन का टॉर्च जला जला के। और ये सारे दृश्य आप देख सकते हैं एग्जिट के टाइम पर जब हम निकल जाते हैं, तो कृष्ण जी और राधा के हर एक वॉल पर मतलब चित्र आपको देखने को मिलता है कि बहुत सुंदर, मतलब आर्ट तो इतना प्यारा आर्ट किया गया कि आप देखते ही रहे, मतलब आपकी आंखें नहीं भरेंगी इतना प्यारा। अगर आप आते हैं यहाँ और टाइम स्पेंड नहीं करते तो मुझे लगता है कि आपने क्या ही देखा, मतलब यहाँ आना और मतलब आपका 2 से 3 घंटे आराम से निकल जाएंगे, उसके बाद भी आपका मन करेगा कि आप देखते रहें। तो यहाँ मतलब आते हैं तो दोस्तों टाइम निकाल कर ही आए, टाइम बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिना टाइम के मतलब आप कुछ नहीं देख पाएंगे। और हम एक्चुअली हमें थोड़ा सा मेरी बिटिया छुट्टी है तो वो बार बार हुई, तो हमें जल्दी जाना पड़ेगा, बट वैसे भी जूते नहीं है तो मेरे को ठंड भी लग रही है तो हम निकलना चाहिए, बट मैं फिर भी जितने ज़्यादा शॉट्स ले सकता हूँ बनूंगा। ये देख सकते हैं भगवान कृष्ण और माँ राधा का विवाह दिखाया गया है और कितनी अच्छी मतलब चीज़ें दर्शाई गई हैं इतने अच्छे तरीके से, मतलब आप सोच सकते हैं कि मतलब माँ राधा और कृष्ण की पूरी लीला दर्शाई गई है यहाँ चित्र के द्वारा। तो आप और ये प्यारा मंदिर का दृश्य यार, इस मतलब इस मंदिर को तो आप प्रेम मंदिर को जितना देख लो लाइटिंग मतलब मन नहीं भरता, इतना प्यारा व्यू है। तो फ्रेंड्स मतलब वैसे कुछ नहीं है यहाँ, कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा भीड़ होता है इवनिंग में, तो वो थोड़ा सा अगर आप लाइट शो देखना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम भी आ जाए। अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है इसलिए मैं बार बार दिखाऊंगा अंदर, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं भी करूंगा जैसे कि मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन में प्रॉब्लम आए, तो इसलिए मैंने सारी बाहर की चीज़ें ही ली हैं और बाहर की चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो अगर आप अंदर जाते हैं तो जैसे मैंने बताया कि भगवान मतलब ग्राउंड फ्लोर पर भगवान कृष्ण और राधा के मतलब आपको दर्शन करने को मिलेंगे, और फर्स्ट फ्लोर पर राम सीता और श्री राम के दर्शन करने को मिलेंगे। तो बाकी मंदिर तो आप देख ही सकते हैं, अपने आप में अद्भुत है, और जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा राजस्थानी आर्ट से दर्शाया गया। और ये देख सकते हैं माँ राधा और कृष्ण जी कितने प्यार से, मतलब एक टाइम को ऐसा लगता है कि हम मतलब अभी दर्शन कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, तो हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।